वेलकम बैक। और दोस्तों हमारे सेटअप में बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी आ गई है भाई, इमरजेंसी देख सकते हो, इसलिए मैं इसको इसके साथ नहीं रखना चाहता था। ठीक है, ये हमारे एक्टर कैटफिश है और ये हमारी फीमेल, ये देखो कितना ज्यादा अटैक कर रही है। अभी मैं इसको जल्दी से जल्दी ना निकालता हूँ और भाई इसको पहले की इसके जगह पे रख देता हूँ। यार देखो, ये देखो इसका अटैक, ये देखो कितना ज्यादा ये कर दिया भाई। जल्दी से जल्दी नेट ला, जल्दी ला, नेट ला जल्दी जल्दी। यहाँ पे रख 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 रख, ये टब वगैरह निकाल। शिट यार भाई, जल्दी इसके तरफ ध्यान गया यार। ये देखो कितना ज्यादा जख्मी कर दिया यार इसको, पूरा जख्मी कर दिया यार। पकड़ यार इसको, आ भी नहीं यार। यार रख यहाँ पे, ये ऐसे रहने दे इसको। ये देखो भाई, इधर आ इधर आ, इधर इसको ज्यादा डैमेज नहीं ना यार। शिट यार, अबे यार बहुत डेंजर है यार ये। देखा भाई, अभी देखा मैंने, अभी टाइम कितना बदल गया। शिट यार, तू आ गया यार, इसलिए जल्दी हमारी बच गई यार, नहीं तो ना रात में पूरा फाड़ देती। मैं भी फिश रूम के लाइट बंद कर नीचे जा ही रहा था, तब भाई आया ऊपर और देखा भाई ये ऐसा बहुत ज्यादा शोर भी कर रही थी। ये बोला था ना भाई ये इसका नाम लेगी, फाइनली भाई ले आई भाई इसने ना, इसको बहुत डे करा हमने, अभी छोड़ी थी यार। अच्छा वायर जल्दी से निकाल लिया, नहीं तो भाई पूरा इसको खा भी जाती यार, क्या पता। चलो अभी इसके ना पहली जगह पे रख देते, पूरा पानी पानी कर दिया यार इसने। चल उठा, तू उठा, चल ऊपर लेके चलो, चलो जल्दी 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 चलो। अरे उड़ी मार ते जाई लेना का हाथ लो, उड़ी मार दी खरच। चलो हाथ लगा के रखा, नहीं तो जम कर देगी वो। ऐसा हाथ रखा के रख, चल चल अभी चल। भाई इसके लिए ना भाई कुछ बड़ी जगह कर देंगे अपन, बट हमारे कैटफिश के साथ इसको अभी नहीं रखेंगे यार, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। बहुत हाल कर दिया यार, अभी ये पानी ना यहीं पे डाल दे। स्नेल स्नेल निकाल ले भाई, स्नेल भी खा जाएगी। स्नेल है ना इधर डाल दे, हाँ शकर के अंदर डाल दे। ओके अभी इसको ढक देते यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डर गई है ना, डरने की वजह से जंप भी कर सकती है ये। बच गई यार, क्या हुआ है ना, इधर ही है ना, उसका पानी चेंज करना है अभी। पानी चेंज कर, तू कुछ मत कर, वहाँ पे मत जा, दिख गई ना बाजू में सर। तो ऐसा कुछ हमने जुगाड़ किया है हमारे इस सेटअप का, मौली फिश के पॉन्ड के सेटअप का, देख सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये यहाँ पे ना धूप आएगी और धूप आने की वजह से और हमारा जो पानी ना ग्रीन का और ही हो जाएगा, अभी ग्रीन हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था ना कि यार यहाँ पे कुछ लगा दूँ, बट ये जुगाड़ रहने देते हैं आज के दिन, क्योंकि ना हमारे जो प्लांट्स ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, इसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में करना पड़ा यार। इतना ऊंचा कर दिया यार दोनों भाई साहब। चल कोई नहीं, आज रहने देते। ए भाई ये क्या लेके आवे यार, अब भी गिर जाता मैं, साइड में रख दे उसको। अच्छा जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े ना हवा से गिर ना जाए यार, और इससे क्या होगा ना, धूप आएगी यार। अभी कल ही हमें अंदाज समझेगा कि भाई यहाँ पे धूप आती है या नहीं आती, जो कि जहाँ पे धूप आएगी तो हम इसको हटा देंगे यार। वेलकम बैक। और दोस्तों आपको कल पता ही था यार हमारे कैटफिश के साथ इवनिंग में क्या हुआ, तो भाई उसे अर्जेंट में हमें शिफ्ट करना पड़ा। और दोस्तों मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपके जो पोलर पैरेट्स हैं उनके बेबीज का आप अपडेट दो, तो भाई ये लो अपडेट, उनके छोटे छोटे न्यू हमारे ये बेबी। अरे यार ये कांच पूरा है ना भाई, ब्लर सा हो गया यार, इसे साफ करना होगा बहुत जल्दी। देखो यहाँ पे छोटे छोटे हमारे पोलर पैरेट्स के बेबी पोलर पैरेट्स, और यहाँ पे हमारे दूसरे वाले पैर के बेबीज, ठीक है। और यहाँ के मैंने दोनों पैर उठा के यहाँ पे रख दिए थे, ठीक है। मुझे बहुत सारे भाई कहते थे कि भाई आपके यहाँ के दो पैर कहाँ गए, तो मैंने ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। कितने दिनों, 7-8 दिन हो गए, क्योंकि भाई ये बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर रहे थे, ब्रीड कर रहे थे बट खुद के अंडे खुद ही खा जा रहे थे, जैसे कि बहुत सारे भाइयों के यहाँ पे होता है। ये वाला एक पेयर था और ये और वाइट वाला कहाँ गया यार, ये दोनों एक एक पेयर थे, तो इसकी वजह से मुझे ये देने पड़े। तो अभी हम जल्दी से जल्दी फिश रूम के फिशेस की फीड कर देते इवनिंग की। आज ना बहुत देर हो गया, क्योंकि मैं ना गाँव गया था यार, आज गाँव जाने की वजह से ना देर हो गई यार। चलो अभी इनको दे देते हैं, हे बड़ी एंजॉय। हेलो जी, और हमारे जो कोई फिश है ना भाई, मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, ये मेरे दोस्त के यहाँ जाएगी या हम इसके लिए कोई नई जगह बनाएंगे, तब तक मैं मेरे दोस्त के यहाँ पे देने वाला हूँ। क्योंकि ना दोस्तों यहाँ पे इनके बहुत कम जगह बढ़ रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप यहाँ से इनको शिफ्ट कर दो, इनको बहुत कम जगह बढ़ रही है, तो मुझे ये शिफ्ट करनी है भाई 1-2 दिन में, या शायद हम कल ही कर लेंगे। हमारे दोनों ऑस्कर द डेजी फिश के क्यूट ऑस्कर, चल भाई चल 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 चल, ये मेरे से अच्छा खेलता है यार, चल ले भाई चल 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 चल,
चल 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 चल, तू भी आ भाई, चल 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 चल। चलो भाई इनको खाना देते हैं, इनका कर भाई इंजॉय, तू भी कर भाई इंजॉय, तेरा खाना इंजॉय कर। और हमारे गप्पी फिश का आज कोई अपडेट यार, दोपहर से मैंने इनको देखा नहीं है। नहीं यार, न्यू बेबीज़ तो नहीं आए हुए हैं, सब पुराने वाले बेबीज़ हैं, और ढेर सारे बेबीज़ है भाई यहाँ पे, और बाकी सब ठीक ठाक है, सब फिशेस ठीक ठाक है। इनकी तो फीडिंग हो गई यार, गप्पी फिश को भी कर देते हैं फीडिंग, क्योंकि भाई ये न्यू बेबी देती है, और न्यू बेबी देते ही क्या होता है, उनके ऊपर अटैक कर देती है। भूखी रही तब, ये भूखी नहीं रही, आप प्रॉपर इनको डाइट देगे तो भाई आप इनका 100% ब्रीडिंग कैच करोगे, ठीक है। और फाइटर फिश को तो दे दिया यार मैंने, और अभी चलते हैं हमारे पिजन छोड़ते यार, और पिजन का आज अपडेट भी लेना यार। हे गाइस, अभी हो गई है प्यार से इवनिंग, और दोस्तों अभी हमारे जो पिजन है मैं उनको ओपन कर देता हूँ, जो इवनिंग का डाइट है उनका वो आज बाकी था भाई। चलो अभी इनको वो भी दे देते हैं, चलो भाई निकलो, चलो 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 चलो। लो जी अभी हम सब डाल देता हूँ इनको, और ये सब खा जाएंगे भाई, 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों आज है ना भाई, हमें हमारे पिजन्स का सब मतलब आपको हमें जो उनके एग वगैरह होते हैं उनकी कैंडलिंग कर दी, मतलब जो अंडे अच्छे रहेंगे हम वो रखेंगे, और जो अंडे ख़राब होंगे हम फेंक देंगे। अभी देखते हैं यार, और हमारे यहाँ पे बारिश भी बहुत चल रही है यार, मतलब एक दिन के बाद बारिश आती है, एक दिन धूप आती है, एक दिन बारिश आती है, एक दिन धूप आती है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऐसा माहौल ख़राब हो गया है। और दोस्तों हमारे जो बेबी पिजन्स है ना भाई, उनका खाने लगे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा यार। देखो अभी उनको उनके मम्मी पापा की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ये वाइट वाला हमारे लकी पिजन का बेबी, उसका खाने लगा भाई, और दूसरा बच्चा भी खाने लगा, मतलब अभी प्रॉपर ये बड़े हो गए हैं। सिर्फ हमें एक करना है भाई, हमारे जो लकी पिजन का जो बेबी ना उसे थोड़ा बहुत डिसीज़ है, और दूसरे किंग का जो बेबी उसको भी थोड़ा बहुत डिसीज़ है, तो हमें उनको अभी अलग से रखना है, नहीं तो भाई हमारे दूसरे बेबीज़ को भी लग सकता है। मुझे बहुत सारे भाई बोले कि भाई आप उनको दोनों को अलग क्वारंटाइन कर दो और अलग से आप ट्रीटमेंट करो, तो ठीक है भाई अभी हम वही करेंगे। और सारे बेबीज़ नीचे आ गए भी हमारे, अभी एक भी बेबी ऊपर नहीं। और दोस्तों हमें हमारे जो केज की साफ सफाई है वो भी करनी है, क्योंकि अभी हमारे फर्स्ट लॉट के बेबीज़ निकल चुके हैं, तो अभी सेकेंड लॉट के जो बेबीज़ आएंगे उनके लिए हमें थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है, और स्प्रे वगैरह करना है, मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं वो नहीं आएंगे हमारे बेबीज़ के पास। और ये देखो भाई, ये वाला जो बेबी ना ये पूरा डैमेज है यार, मतलब इसे हमें अलग से ही रखना होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, केज के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ भाई हमारे बेबीज कितने बड़े हो गए हमारे सेकंड लॉट के। यहाँ से अंदर जाना बहुत बड़ी परेशानी का काम है यार। ये भाई हमारे किंग के बेबीज, ये भी गुस्से ले भाई, ये देखो इनका गुस्सा देखो। ओ भाई अबे बेबी हो यार, इतना गुस्सा कैसे यार, क्या कर रहा हूँ मैं भाई। इनका है ना एक कलर है ना भाई, थोड़ा फेंट है, और इसको ना थोड़ा वाइट कलर आया, और ये पूरा डार्क है भाई उनके मम्मी पापा जैसा। ये देखो ये थोड़ा है ना वाइटिश है, मतलब इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा, और ये पूरा डार्क आएगा उसके मम्मी पापा जैसा। ये देखो कितना डार्क है, क्यूट सा। और यहाँ पे हमारे लकी पिजन ने भाई, एक मिनट, ओ वाओ, यहाँ पे 2 अंडे है, और यहाँ पे तो मैंने कल अंडों का अपडेट दिया था आपको भाई। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा गुस्से ले भाई, इसके बेबी हैच हुए नहीं हुए, और तुमने दिया अंडा नहीं यार, तुमने भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे देखो यार। एक मिनट, ये बाहर ही निकल लेता हूँ मैं इनके बेबीज़ का। ओ भाई क्या कलर आया है यार इनको, यार इनका कलर आप चेक कर सकते हो, ये फुल ब्लैक आया है, और इसका सिर्फ सर ही वाइट है, और ये अलग ही कलर है यार इसका। वाह यार सही है, आपको पता ही भाई बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ भाई, अभी देर है तुझे बाहर आने में, अभी छोटे हो तुम। चलो भाई इनको फिर से रख देते हैं उनकी जगह पे, जाओ 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 जाओ। और ये पेड़ भी बहुत जल्दी अंडे देने वाला है, मतलब कल या शायद अंडे दे देगा यार। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना इसके आँख के साइड में देख सकते हो पूरा वाइट है, और ये पूरा पिजन ब्राउन है यार, इसके ये खासियत है, इसकी वजह से मैंने इसको लिया। कल्लू 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 के ऊपर बेबीज ने सीधा अटैक कर दिया यार। ये देखो भाई तीनों कल्लू के बेबीज ने, इनमें से सिर्फ एक ही कल्लू का बेबी है, और ये खाना मांगते हुए हमारे कल्लू जी के पास। ओए होए, अभी कल्लू इनका तंग होके सीधा बाहर चला जाएगा, अभी कल्लू को समझ नहीं रहा है भाई उसका बेबी कौन सा है। ओए होए होए, तीनों बेबीज ने अटैक कर दिया भाई कल्लू के ऊपर, गया ऊपर, सीधा ऊपर चला गया। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो अंडे ना भाई इनकी कैंडलिंग कर लेता हूँ भाई, तेरी टॉर्च ऑन करके मुझे दे, टॉर्च ऑन कर लिया। ओके यहाँ पे रख देता हूँ, और हमारे सारे अंडों की ना हम उन्हें कैंडलिंग कर लेते हैं, मतलब भाई इनमें है भाई
अच्छे होंगे तभी हम छोड़। देखो भाई इसमें अभी नर्स बन रही है, देख सकते हो आप, देख सकते हो रेड कलर की लाइन। तो भाई ये अंडा जिंदा है, मतलब इसमें से बेबी हैच होगा। अभी ये चेक कर लेते हैं भाई, अंडे की तो मुझे गारंटी तो नहीं लग रही है क्योंकि पूरा येल्लो हो गया है, इसकी तो गारंटी नहीं है। फिर से हम दो दिन के बाद चेक करेंगे, बट ये दूसरा वाला जो अंडा ने हैच होगा भाई। और इसके भी कर लेते हैं भाई, चलो भाई एक अंडा दिखा। ओ भाई इसमें तो बेबी तैयार होने लगा भाई, ये देखो अभी पूरा आपको दिख रहा होगा, एक दो दिन में हैच हो जाएगा, एक दो दिन नहीं मतलब हफ्ता भर लग जाएगा। और इसका दूसरा भी अंडा चेक कर लेते हैं, ये बहुत हल्का लग रहा है यार मुझे। ओ भाई ये तो पूरा ख़राब है यार, देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है, ये देखो ये पूरा ख़राब है। ये ख़राब होने की वजह से ये कुछ काम का नहीं है, इसे हमें फेंकना होगा। ये ले भाई हाथ में पकड़, इसका सिर्फ एक ही अंडा चांगला, इसका अच्छा है और इसका एक अंडा अच्छा है, बट एक अंडा कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी दिए यार दो दिन हुए और इसे कम हफ्ता भर हो गए, ठीक है। तो इसका कंफर्म है एक अंडा ख़राब है और एक अंडा अच्छा है। अभी इसका देख लेते हैं भाई, हमारे लकी पिजन के तो अच्छे ही हो गए क्योंकि बहुत बढ़िया पेयर है। ओ शिट यार ये मुझे ख़राब लग रहा है, बट चलो कोई नहीं भाई, एक दो दिन हुए हैं हम कन्फर्म तो नहीं कह सकते। इसमें नस बन रही है क्या भाई, देखने दे। ओ भाई इसमें भी नहीं कुछ, देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके। और कहीं पे अंडे हैं नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। हेड वाले यहाँ पे चलते हैं। हाँ भाई एक मिनट मोबाइल पकड़ना, चलो अभी बाहर निकलते हैं यार भाई। अभी जाते हैं इस वाले केज के अंदर, हमारे तीनों ब्लैक बेबीज। भाई हट जा थोड़ा साइड में। ओए तेरी साइड में जगह है भाई, ये यहाँ कहाँ आ गया। तो अभी सबसे पहले ना भाई हम कल्लू के अंडे देखेंगे। और दोस्तों एक मैंने खुशखबरी देखी भाई, पिंजरे में आने की एक ही मुझे ये थी भाई, ये जो पिजन है भाई इसने यही पे अंडे दे दिए ऊपर, ठीक है। आपको पता है आपको, हमारा जो न्यू पिजन है वो वाला है, तो यार इन्होंने तो ऐसे अंडे दे दिए क्योंकि ना यार कल्लू है ना, कल्लू किस कोई केज में इसको घुसने नहीं दे रहा था, तो ये बेचारे ने यही पे अंडे दे दिए। अभी यही पे ये उसके बेबी वगैरह हैच करेगा, अभी देखते हैं यार यहाँ पे हैच करेगा या नहीं, क्योंकि इसकी हम जगह नहीं बदल सकते, इसकी अभी जगह बदलेंगे तो ये अंडे पर नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे ना दोस्तों हमारे सिराज ने ना चार अंडे दिए हैं भाई, अभी चारों अंडों की हम कैंडलिंग करेंगे, ये अच्छे हुए तो रहने देंगे, नहीं तो हमें ये भी फेंकने पड़ेंगे। दिखा भाई टॉर्च ऑन, यहाँ पे रख देता हूँ। ओके चलो भाई सबसे पहला अंडा। ओ भाई ये तो पूरा येल्लो यार। अभी सेकंड वाला एक, ओ भाई ये भी तो पूरा येल्लो है। अभी थर्ड वाला, ओ शिट ये भी येल्लो है। एक मिनट भाई ये वाला, ओ भाई इसमें बेबी बन रहा है, ये देख सकते हो इसमें नस बन रही है, मतलब ये हैच हो जाएगा यार इसमें है। ये तीनों अंडे ना मुझे शायद से ख़राब लग रहे हैं और इसमें बन रहा है भाई बेबी, तो हम क्या करेंगे इसको है ना परपंच के नीचे रख देंगे। हाँ उसको फेंकना नहीं, इसको यही ऐसे रहने देंगे, और ये जो है ना अंडा ये परपंच के नीचे, अभी परपंच का हमने निकाला तो अभी उसकी जगह पर ये रख देंगे, ठीक है। नील को बोला नीचे, इसको हैंडल करो धीरे से, ऐसे ही हैंडल करके ना ऐसे यहाँ पर रख दे नीचे, हल्के हाथ से रखा एकदम, क्योंकि उसमें ना छोटा बेबी है। और ये अभी तीनों अंडे ये संभालेगा यार, ये तो तीनों मुझे ख़राब ही लग रहे हैं, बट क्या पता यार, चलो कोई नहीं इसके अंदर रहने देते। अभी कल्लू के अंडे चेक कर देते भाई। ओए भाई ये सॉरी, कल्लू की फीमेल बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है भाई, इसे हमें पहले बाहर निकालना होगा, नहीं तो अंडे भी फोड़ डाल देगा भाई। जा भाई उड़। अभी कल्लू के दो अंडे यार अच्छे ही रहेंगे, कल्लू के भाई लो इसमें तो बेबी तैयार हो रहा है, ये तो रेडी भाई इसमें बेबी। और ये वाला ख़राब है, ये वाला शायद से ख़राब है, ये देखो पूरा येल्लो येल्लो है, बट कोई नहीं अभी रहने देंगे। अभी ना समर का सीज़न चल रहा है तो भाई अंडे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं भाई, ठीक है इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके तो कब दिए यार, इसके भी कैंडलिंग कर लेते, चलो नहीं जाने दो भाई, इसको तो ऊपर है तो इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने देते, तू हैच कर या मत कर, बट हम वैसे ही रहने देंगे। चलो नीचे आना नीचे यार, कल्लू का बेबी को ना बाहर निकल देता हूँ मैं। चल भाई ये देखो भाई कल्लू का बेबी कैसा आया हुआ है, उसकी सिर्फ पैर की जो पत्ती ना ये सिर्फ वाइट है और बाकी पूरा ब्लैक ही है। चल इनको बाहर निकल बेबीज को, चलो जाओ। हाँ देख सुन अभी मेरी बात सुन, ये वाला जो अंडा है ना ये उठा और है ना परपंच के नीचे रख, मतलब उसके भी दो अंडे हो जाएंगे, ठीक है। ए भाई अच्छे से यहाँ पे रखा है, देख तूने उठा इसको, उठा हाँ धीरे से रख एकदम, हाँ उसके नीचे रख परपंच के नीचे। ओके ओके रख दे रख दे। ओके अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी दोनों अंडे ना हैच होंगे टाइम पे,
तो भाई अभी मैं बाहर निकलता हूँ और निकलता हूँ यार, ये पकड़ना मुझे। तो हमारी जो स्नो की फीमेल है ना भाई, इन भाइयों के पास मैंने ली है। आपके पास है ना स्नो की फीमेल? कब लेने आऊँ मैं? कल आओ, कल मॉर्निंग में, ठीक है? तो कल मॉर्निंग में हमारा जो स्नो है ना भाई, इसके लिए फुल ब्लैक कलर की फीमेल हमें एडजस्ट हो गई है। देखो भाई, तेरे लिए जल्दी जल्दी फीमेल आ जाएगी। ऊपर चलते हैं, हमारे मॉली फिश को फीड कर देते हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी, क्योंकि ना स्नो के लिए मैं बहुत ही जगह घुमा यार, बहुत ही जगह, हमें बिल्कुल भी फीमेल उसके एडजस्ट नहीं हो रही थी, बट फाइनली भाइयों के पास मुझे वो फीमेल मिल गई। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है भाई। तो चलो अभी सबसे दिन का सबसे खुशी वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे आते ही, यहाँ पे कल क्या हुआ ना भाई, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही थी। हवाएं चलने की वजह से हमने यहाँ पे ये इसके जुगाड़ किया था भाई। जुगाड़ सब हमारा ये हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। हवा चल चल के भाई ये सब उधर उड़ गई। देखो ये मैंने सुबह आया सब इधर उधर कर दिया, और आज मैं गाँव को जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई भाई। इनको ये डालना ऑप्टिमम इसमें है क्या? अच्छा इसमें डाला है, तो इनको ऑप्टिमम ही देते हैं अभी। तूने इनको मॉर्निंग का खाना दिया था ना, मॉर्निंग वाला? ओके, आज तेरे पे ही था यार सब सेटअप। होय 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 होय, आ गई यार। कितनी ज़्यादा भूखी, तूने डाला था या नहीं डाला था? इतनी ज़्यादा भूखी क्यों लग रही यार मुझे वो। और बेबीज़ वगैरह कुछ निकले थे क्या यहाँ पे मॉर्निंग पे? क्योंकि मैं नहीं था यार यहाँ पे। नहीं यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है। वो शिट शिट है भाई, एक दो तीन बड़े बड़े बेबीज़ है यार, बड़े। हाँ पाँच पाँच है ना, छः यार। इनके लिए ना कुछ जगह ही बना लेंगे यहाँ पे, मतलब तुरंत यहाँ से उठा कर है ना यहाँ पे रख देते जाएंगे अपन। क्योंकि ना यहाँ से क्या होता है ना दोस्तों, मुझे यहाँ से उठा कर हमारे बेबीज यहाँ पे शिफ्ट करने पड़ते हैं। आपको पता ही है, यहाँ पे हमारे बेबीज शिफ्ट होते हैं नीचे, और उनका भी अपडेट मैं कल के वीडियो में दूंगा, बड़े बड़े पोलार पैरट्स के बेबीज का। क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि भाई आपके पोलार पैरट्स का, जो पहले वाले पोलार पैरट्स भाई, उनका आप अपडेट दो। तो भाई मैं वो अपडेट दूंगा। ये क्यों बाहर निकली भाई? ये तू लेके जाने वाला है क्या? तो पॉइंट है बघ, फिश टैंक त्याच्यात ठेवून देशील वरती। हाँ किती, दोन मेल आणि दोन फीमेल आहेत ना? हाँ ठीक आहे, नाही रे तीन फीमेल आहेत, दोन मेल आहेत। हाँ ना यार, एक एकच काय मेल आहे, एक पडलं रे। चलो भाई अभी इनको भी फीड कर देते हैं, गप्पीज को। यार गप्पी फिश हमारी ब्रीड ही नहीं कर रही यार, एक भी दिख नहीं रहा यार मुझे, शायद से कर रही, ज़्यादा मत डाला। ओके ओके, बस 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 बस, हो गया। और भाई यहाँ पे हमारे जो बटर ने भी नहीं अंडा दिया, आज अंडा दिया था बटर ने? नहीं नहीं दिया यार। और इन्होंने तो भाई इनको तो यार आपको पता है यार, मैं नीचे शिफ्ट करने वाला हूँ। इनके लिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी भाई, मैं क्या बनाने वाला हूँ, ठीक है? एक मैं वो रखने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, गिफ्ट वगैरह कुछ बोल देना, वो रखने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे है भाई हमारी मैंगो, मैंगो है, मैंगो मैंगो इतना डरता क्यों है भाई, क्या मालूम। और यहाँ पे है हमारी, हे बड़ी, हेलो हेलो। चलो इनको पानी रख देते हैं, क्योंकि ना ऐसे करते ना इनको पानी की प्यास लगी होती है। तो इनका शाम का थोड़ा व्यू ले लेते हैं। हेलो बड़ी, इनको यार ना कल चिकन कलेजी फीड कर देंगे यार। कल क्या, मंडे संडे ना, कल संडे ना, कल हाँ कल फीड कर देंगे फिर। यहाँ तू क्या बोला था, यहाँ पे हैच होने लगे? कहाँ पे? यहाँ पे? ओ भाई सच में आ रहा है, चुने लगे। एक मिनट, छोटे छोटे बेबीज है यहाँ पे। ओए होए, अबे सब अंडे सूखे हुए हैं यार, यहाँ पे कुछ नहीं है देख, मतलब सब अंडे खराब है यार। क्यों खराब हो गया क्या मालूम, देखो पूरे का पूरे खराब हो गए, खराब हो गया रसनेल के अंडे। अभी वो और वो वाले हैच होंगे एक दो दिन में। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है, और कल हमारे जो स्नो की फीमेल है भाई वो आने वाली है। और दोस्तों अभी हमारे जो लकी पिजन को जो डिसीज है भाई, इसको अभी हमें अलग रखना है, अभी सब पड़ जाए कल के लिए। तो इसकी ट्रीटमेंट हम यहीं पे करेंगे। ये खोल दे भाई हमारे स्नो के केज में, छोड़ दे इसको। और एक है ना भाई, वो कहाँ गया? और एक बेबी है, उसको भी भाई जाली लाना। ये वाला एक है, इसको भी वही सेम डिसीज आ रही, देखो इसके आगे देखो मुँह पे। तो यार हमारे बाकी बेबीज को नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से भाई मैं इसको इनको यहीं पर अभी रखूँगा। हम इनको अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह देंगे और देखते हैं भाई।